तो यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजे क्रिएटिव गोलू आर्ट्स पे स्वागत है। फिर से एक और न्यू वीडियो आ चुकी है और आज हम सिखाने वाले हैं कलर ग्रेडिंग इन लाइट रूम। ईजी स्टेप में सिखाऊंगा आपको कलर ग्रेडिंग करना कि लाइक आप इस तरह कुछ कलर ग्रेडिंग कर सकते हो ईजी स्टेप में और आप भी थोड़ा प्रोफेशनल लुक अपनी फोटो में ला सकते हो। तो सिंपली चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनानी है, क्योंकि मेरा टारगेट होता है 5 मिनट के अंदर कलर ग्रेडिंग करने का, तो सिंपली वही मैं करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में आ जाना है और अपनी फोटो के अंदर जो लाइटिंग एडजस्ट करनी है कर्व टूल की वजह से, उसको यूज़ करके। तो सिंपली जिसको नहीं पता कर्व टूल को कैसे यूज़ करते हैं, उसको अभी ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो सिंपली कर्व टूल का 5 पॉइंट हम यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें अपनी जो डार्कन और हाईलाइट बढ़ाने में एडजस्ट, मतलब डार्कन करने में आता है, तो सिंपली इसको हम कम ही रखेंगे और दूसरे पॉइंट को भी कम रखेंगे। तीसरे पॉइंट को हल्का सा हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जो चौथा पॉइंट है उसको हम रखेंगे थोड़ा माइनस की तरफ, और पांचवा जो अपनी हाईलाइट है उसको थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये जो हमारा हो गया पूरा डन। तो सिंपली अब क्या करना है, एक्सपोजर को बढ़ाना है हल्का सा। तो एक्सपोजर हम हल्का सा बढ़ाएंगे अपनी फ़ोटो का और ये हो चुका है। तो सिंपली अब क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट को भी हमें अपने हिसाब की, मतलब जिस हिसाब की फ़ोटो है उस हिसाब से करना है। सिंपली कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ाएंगे, तो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद सिंपली हमने अब हाईलाइट पे चलते हैं अपन। तो हाईलाइट पे आने के बाद इसके हाईलाइट को करेंगे कम, तो सिंपली ये भी हम कर लेते हैं कम। तो सिंपली अब शेडोज को करना है, सो शेडोज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और हल्का सा ज़्यादा ही रखेंगे, और जो वाइट वाला हिस्सा उसको कम रखेंगे और ब्लैक वाले हिस्से को हल्का सा कम रखेंगे। तो अब चलते हैं मिक्स टूल की तरफ। तो मिक्स टूल में आने का सिंपली हमें जो कलर टूल है उसके अंदर पहले तो हमें वाइब्रेंस को इसको बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को करना है थोड़ा सा कम, और सिंपली मिक्स टूल का अब यूज़ करना है। मतलब सिंपली अपने मिक्स टूल में जाना है हमें, तो सिंपली चलते हैं अपने मिक्स टूल में। तो अपना जो ये पहला जो कलर आता है वो आता है हमारा, तो पहले इसका हम जो है मतलब कलर टूल जो है कलर सिलेक्शन टूल उसका यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसमें मैं अपनी जो हाईलाइट है वो पूरी मतलब ये एडजस्ट कर देता है लाइटिंग को, तो सिंपली इसका यूज़ करके अपनी लाइटिंग को एडजस्ट कर लेता है पूरा। तो सिंपली अब चलते हैं मिक्स टूल में, जो अपनी जो सैचुरेशन है पहले वाले कलर की उसको कम रखेंगे और अपने फेस का जो कलर है उसकी सैचुरेशन को कम करके लुमिनस को बढ़ा लेंगे। और अब चलते हैं अपने येल्लो टोन पर, तो येल्लो टोन की ह्यू को हम रखेंगे पूरा कम, सॉरी ज़्यादा, क्योंकि पहले ग्रीन टोन बनाना है। तो सिंपली पहले कलर को रखेंगे ज़्यादा ह्यू को और सैचुरेशन को भी फुल रखेंगे और लुमिनस को छेड़ेंगे नहीं। और सिंपली अब चलते हैं ग्रीन की तरफ, तो ग्रीन को भी हम फुल लुमिनस मतलब प्लस की तरफ रखेंगे और सैचुरेशन भी प्लस की तरफ रखेंगे। और अब लू जो हमारा आता है स्काई ब्लू कलर उसको छेड़ लेंगे। तो सिंपली मेरे में तो है नहीं तो मैंने देख लिया जो ब्लू कलर है वो है, तो सिंपली इसका जो हम रखेंगे वो ह्यू रखेंगे माइनस की तरफ और जो सैचुरेशन है वो थोड़ा प्लस की तरफ लेके जाएंगे और लुमिनस भी बढ़ा लेंगे। अब सिंपली क्या करना है, अपनी फ़ोटो में टेक्सचर ऐड करना है। तो टेक्सचर ऐड करने के लिए जो हमें टेक्सचर उसका हल्का सा टेक्सचर बढ़ाए मतलब क्लियरिटी बढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद हमें हल्का सा टेक्सचर बढ़ाना है। तो सिंपली ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी फ़ोटो में टेक्सचर ऐड हो चुका है। तो अब सिंपली हमें विग्नेट ऐड करना है, तो विग्नेट ऐड करने के लिए सिंपली विग्नेट को जो माइनस की तरफ लेके जाना है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा कि इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें चेक नहीं करना, तो सिंपली हमारा हल्का सा ही रखेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसके शार्पन को बढ़ाने के बाद जो नॉइस है उसको हल्का सा बढ़ा लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी जो फेस में जो नॉइस है या कहीं भी नॉइस आ रही है तो वो हमारी नॉइस जो डी नॉइस में चेंज हो जाएगी, मतलब नॉइस हट जाएगी वो। अब सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके अपन जो है अपनी फेस के ऊपर एक सर्कल बना लेंगे और सिंपली क्या करना है, उसके बाद जो फेस की जो लुमिनस है मतलब एक्सपोजर है उसको हल्का सा बढ़ा लेंगे, जिससे हमारी फेस में जो ग्लो है वो ऐड हो जाए लाइट। तो सिंपली अब एक हमें ग्रेडियंट बनाना है, तो ग्रेडियंट को हम नीचे से अपने राइट हैंड साइड से नीचे से ग्रेडियंट बना के इसका एक्सपोजर हम कम कर लेंगे। तो सिंपली ये हमारा जो ग्रीन पूरा हमारा टेक्सचर बन चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेड वाला कैसे करना है। तो रेड वाला इफेक्ट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो अपनी फ़ोटो है उसके अंदर एक और सर्कल ऐड करना है और इसका जो आपको फेद है वो कम कर लेना है फेदर। तो सिंपली ये करने के बाद इसके एक्सपोजर को बढ़ाने लगा हल्का। उसके बाद आपको कलर्स में जाना है, ये जो आपका प्रोफाइल पिक्चर जो आपको पता इसके अंदर दिख रहा है प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल में जाने का सिंपली आपका जो आर्टिकल
आर्टिक्स थ्री है ऑप्शन, उस पर टच करना है, उसके बाद आपको फुल कर देना ही है। तो पहले तो देख लेना जहाँ आपको सही लगता है सिंपली वहाँ रखे। तो सिंपली मैं तो इसको रखूँगा, ज़्यादा ही रखूँगा। तो ये हमारा हो चुका है। तो सिंपली आपको आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। तो चलते एंड करते वीडियो।